मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट। देश भर के इन राज्यों में होगी हल्की से मध्यम बारिश। उत्तर भारत में एक कमजोर पश्चिमी क्षोभ पहुंच गया है, जिसके तहत गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में एक मजबूत पश्चिमी क्षोभ हिमालय क्षेत्र में पहुंचेगा, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यह पश्चिमी क्षोभ मजबूत होगा, जिसके चलते पहाड़ी राज्यों से लेकर के मैदानी इलाकों तक बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्का कोहरा छाया रहने की भी संभावना है। बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम हो सकती है। केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक में भी हल्की बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने की भी संभावना है। उत्तर भारत में मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिणी कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड में भी हल्की बरसात हो सकती है। 21 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में और 22 नवंबर को तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर भारी बरसात जारी रहने की भी संभावना है। बिहार राज्य में पछुआ हवाओं के कारण सुबह शाम ठंड का प्रभाव रहेगा, तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके अलावा दक्षिणी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार भी देखने को मिल सकता है। मौसम से जुड़ी जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।